और आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की अगर तस्वीर की बात की जाए तो डबल सेंचुरी ट्रेंड्स के लिहाज से बहुत जल्द आप लगते हुए देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं वो 196 सीट्स के लिए आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, जिनमें बीजेपी और उसके अलावा 120 सीट पर लीड करते हुए समाजवादी पार्टी 73 सीट पर लीड करते हुए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चरणजीत सिंह चन्नी एक सीट से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर आ जाती है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक सीट से पीछे इस वक्त चल रहे हैं। पंजाब से बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पर नजर है, लेकिन पंजाब में क्या घटित हो रहा है लगातार आपको बता रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस 20 पर जरूर आ गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक सीट पर पीछे चल रहे हैं, चूंकि वो दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक सीट पर इस वक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि वो अपनी दोनों सीटें हारेंगे, लेकिन अभी एक सीट पर वो पीछे चल रहे हैं। पंजाब में बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन दो सीट पर आगे, 64 सीटों का रुझान, बहुत इंटरेस्टिंग हो चला है पंजाब का चुनाव। अदिति, और उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 196 सीट्स के ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें से 120 सीटों पर बीजेपी उसके अलाइज लीड करते हुए, इसके अलावा समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो 73 सीटों पर लीड करते हुए, ये अर्ली ट्रेंड्स है, तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर इतनी बड़ी संख्या में इतनी तेजी से ट्रेंड्स जो है आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। 125 सीट्स पर अब बीजेपी लीड कर रही है, देखिए आप डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश की 403 मेंबर असेंबली के, जिसमें से 203 सीटों के लिए प्रोजेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, 125 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, 75 सीट्स पर लीड करते हुए समाजवादी पार्टी अलायंस। बिल्कुल अदिति, उत्तर प्रदेश में एक तरफा लीड, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी बदौर सीट से वो पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दो सीटों पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो चमकौर साहिब सीट से तो आगे हैं, लेकिन जो भदौर सीट है उस सीट से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। यही वजह है कि दो सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया था। बहुत बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से आपको दे रहे हैं, और इस वक्त हम आपको 203 सीटों का रुझान उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, 125 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी अलायंस 75 सीटों पर लीड करते हुए, बहुजन समाज पार्टी दो सीटों पर लीड करते हुए, वहीं कांग्रेस पार्टी एक सीट पर लीड करते हुए, 203 सीटों के ट्रेंड्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में हवा किस तरफ चल रही है, और उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी, या फिर ये कहना चाहिए परफॉर्मेंस दोहराने से छोड़कर सवाल ये, क्या योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर अपनी कमबैक करने जा रहे हैं, क्या उस सवाल का जवाब इस वक्त आप इन अर्ली ट्रेंड्स में देख पा रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं जाहिर तौर पर वो बीजेपी के खेमे में चेहरे पर चमक लाने वाले नंबर्स हैं। आप देख रहे हैं 125 सीटों पर लीड करते हुए, सोचिए जरा, एक क्लोज फाइट बताई जा रही थी, लेकिन उसमें से 125 सीटों पर 203 सीटों के ट्रेंड्स, उसमें अगर 125 सीटों पर बीजेपी यहां पर ट्रेंड्स कर रही है, बीजेपी लीड कर रही है, बार बार हम आपसे कह रहे हैं फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, अर्ली ट्रेंड्स है, ये तस्वीर बदल सकती है, लेकिन फिलहाल अगर इस वक्त की तस्वीर की बात की जाए, काउंटिंग शुरू हुए अभी करीब 43 मिनट की बात की जाए, तो ये रुझान बीजेपी के लिए राहत लाने वाले हैं, क्योंकि क्लोज फाइट की बात बार बार की जा रही थी बीजेपी और समाजवादी पार्टी अलायंस के बीच। तो आपको ये बता दें 125 में इन ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी 125 पर लीड करते हुए, समाजवादी पार्टी अलायंस 75 पर लीड करते हुए, 203 सीटों के ये ट्रेंड्स हैं, और इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी 39 सीटों पर लीड करते हुए, राजीव, और इस वक्त राम के पास भी अपडेट है। राम, बिल्कुल, बड़े चेहरों की बात करें, वीवीआईपी जो चेहरे हैं उनका अपडेट इस वक्त हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से आगे चल रहे हैं, बुलंदशहर की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यहां कुल 7 सीटें हैं, गोंडा की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, मेरठ की 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यहां पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लिए ठीक ठाक सीटें निकल कर आएंगी, बुलंदशहर की जो 3 सीटें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, गोंडा जिले की जो 3 सीटें हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, बीजेपी आगे है, मेरठ की 3 सीटों पर भी बीजेपी लीड कर रही है। और इन सबके बीच जो बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है, वो ये है कि ईवीएम मशीनें खुलना भी शुरू हो गई है, अब तक पोस्टल बैलेट थे और अब ईवीएम खुलना भी शुरू हो गई है। चरणजीत सिंह चन्नी भदौर सीट से पीछे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, एक सीट चमकौर साहिब से आगे चल रहे हैं भदौर से। बिल्कुल राम, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक सीट से आगे तो एक सीट से पीछे चल रहे हैं, यही वजह है कि सुबह सुबह जो तस्वीर भी आई थी वो भगवान के दर पर, आप इन तस्वीरों को देखिए, वो भगवान के दर पर है कि कहीं एक सीट से तो बचा लीजिए, तो एक सीट पर टफ फाइट चल रही है, दूसरी सीट पर वो पीछे चल रहे हैं, दूसरी सीट पर यानी कि भदौर सीट पर वो पीछे चल रहे हैं,
बड़ी खबर पंजाब से आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा नवजोत सिंह सिद्धू, कहीं गायब हो गए, उनके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आए। लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दूसरी सीट भी क्या बचा पाएंगे या नहीं, इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरठ की 3 सीटों पर इन सबके बीच बीजेपी आगे है और 125 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 75 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, मेरठ की 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, इसके अलावा बुलंदशहर की 3 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है। लगातार जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, जो रुझान नजर आ रहा है, उसमें बीजेपी लीड कर रही है 125 सीटों पर, समाजवादी पार्टी गठबंधन 75 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 125 सीटों पर आगे चल रही है। आदिति, तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, 203 सीटों के लिए आप ट्रेंड इस वक्त देख पा रहे हैं। 125 सीटों पर बीजेपी गठबंधन लीड करते हुए और साथ ही 75 सीटों पर समाजवादी पार्टी अलायंस लीड करते हुए, 2 पर बीएसपी और साथ ही 1 पर कांग्रेस लीड करते हुए। बार बार इस बात को स्पष्ट करते हुए, ये ट्रेंड्स है, ये अर्ली ट्रेंड्स है, अभी करीब 45 मिनट की काउंटिंग हुई है, ये तस्वीर बदल सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर मौजूदा ट्रेंड्स की यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी एक बड़ी बढ़त बनाते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। जैसा कि लगातार परसेप्शन की बात की जा रही थी कि लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, कम से कम इन अर्ली ट्रेंड्स की बात की जाए तो वो परसेप्शन सही दिखाई देती है। क्योंकि यहां पर अगर कॉन्टेस्ट के लिहाज से बात की जाए तो 125 सीटों पर आप देख रहे हैं 203 सीटों के ट्रेंड्स हैं, 403 मेंबर की असेंबली है, उसमें से 203 सीटों के लिए आप ट्रेंड देख रहे हैं। इन 203 सीटों पर 125 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 75 पर आपको समाजवादी पार्टी अलायंस दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यूपी में वोटों की गिनती पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का। अखिलेश यादव कह रहे हैं इम्तिहान बाकी है हौसलों का, ये ट्वीट किया गया है, वक्त आ गया। और इससे पहले आप जानते हैं लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अखिलेश यादव ने इसे करार दिया था। राजीव, बिल्कुल, अदिति बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वक्त आ गया है फैसले का, ये उन्होंने ट्वीट किया है। इस वक्त लगातार काउंटिंग चल रही है और रुझान लगातार आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी सीट पर तो आगे चल रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी इस वक्त 75 पर है और इस बीच में वक्त आ गया है अब फैसलों का, इसके क्या मायने निकाले जाए एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी 125 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आगे है। अब वो फैसलों की बात कर रहे हैं, 203 सीटों का रुझान इस वक्त आपके सामने है, बीजेपी बहुत आगे 125। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।